नेशनल लोक कल्याण पार्टी द्वारा नई दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल दिल्ली बोल अभियान की शुरुआत करके अपना पहला नागरिक समर्पित घोषणा पत्र जारी किया गया, जो दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करेगा। ये घोषणा पत्र एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने शहर के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सक्षम बनाता है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये पहल एक नए दौर की शुरुआत है, जहां शासन जनता के इनपुट से तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की आवाज, दिल्ली की पसंद का नारा देते हुए इंद्रप्रीत सिंह ने नागरिक संचालित लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एनएलकेपी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने एनएलकेपी की 70+1 घोषणा पत्र जारी करने की योजना के बारे में बताया, जिसमें प्रत्येक निवास क्षेत्र के लिए 70 व्यक्तित्व घोषणा पत्र और एक प्राकृतिक घोषणा पत्र, जो स्थानीय और शहर को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया। मैं एके शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोकतंत्र पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। तो हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले हेल्थ वाइज, और इसका हमारा ये है कि दिल्ली के लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, तो जितने भी गवर्नमेंट जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या दिल्ली की गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ पर जो हाउसकीपिंग या वहाँ पर सिक्योरिटी या यहाँ पर कैंटीन है या यहाँ पर ड्राइवर्स के है, हम उन सबको परमानेंट जॉब दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। देखिए, आप दूसरी कंट्रीज में भी जाइए, सब कंट्रीज में मोस्टली जो अच्छे डेवलप कंट्री हैं, सब में सब जगह ट्रांसपोर्ट फ्री है। और ट्रांसपोर्ट इसलिए फ्री करी जाती है क्योंकि यू आर चार्जिंग फ्रॉम टैक्स, गवर्नमेंट जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। जैसे फ्री सेवा लेडीज़ के लिए दे रही है, उसके लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अभी क्या है कि जैसे वो लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। कारण ये है कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। अगर हम फ्री अच्छी बसें, अच्छे स्टैंडर्ड की बसें लाते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज उनको भेजते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा हमारे हिसाब से कम हो जाएगा। ये डिमांड भी दिल्ली की जनता से ही आई है, तो ही हमने अपने मैनिफेस्टो में रखी है। ये जो स्लोगन है, दिल्ली को बदलेंगे, हर दिल्ली को, हर दिल को जोड़ेंगे, तो जब दिल तभी जुड़ेगी कि एक दूसरे की डिमांड को समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें और दिल्ली की जनता की आवाज़। आज जो यहाँ दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, तो यहाँ पे नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने एक ऐलान करा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बनेगा। तो पार्टी 71 मैनिफेस्टो बनाने जा रही है, उसी के साथ पार्टी ने पहली बार दिल्ली वासियों को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बोला है कि आप खुद आ जाए। तो एक बोल दिल्ली बोल .in करके पोर्टल चालू की है। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और NRI कम्युनिटी के लिए ये बोल दिल्ली बोल .in पोर्टल चालू है, तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसी के साथ में आज हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले कुछ मूल पॉइंटों के ऊपर अपना जो मैनिफेस्टो है ये जारी की है। तो इसके अंदर दो तीन जो मेजर विकल्प हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा किसके साथ ना हो, तो कोचिंग माफिया को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस लाने का विकल्प लिया है। ये क्लासेस टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी रहेंगे और पढ़ाने के लिए जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं उन सबको इसमें ट्यूशन में एज अ ट्रेनर रखा जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स करी जाएगी। दूसरा जो विकल्प लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं
कि जो लोगों के पैसों से यानी टैक्स पेयर के पैसों से फ्री बस सेवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए क्या है। और जैसे आपने देखा है पोल्यूशन भी बढ़ रही है, दिल्ली का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार हम लोगों ने फ्री बस सेवा फॉर ऑल, तो आप बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जेंट्स हों, लेडी हों, पूरे दिल्ली के अंदर हम फ्री बस सेवाएं चलाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगी और जहाँ पे एक बस के अंदर 60 लोग सवार हो सकते हैं वहीं एक कार के अंदर 2 लोग या 4 लोग जाते हैं, तो 15 अगर कारें गाड़ियों को हमने रोक लिया और उनको बसों के अंदर ले आए तो इस तरीके से वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है, वो भी निकल जाएगी। तो ये फ्री बस सेवा भी सबके लिए आएगी और RWAs मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट सपोर्ट डायरेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर उनको अपने इलाकों के अंदर कोई भी सुविधाएं चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे और वहाँ से वो डेवलपमेंट लाएंगे। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी टीमों को और इनपुट्स मिलेंगे तो हमारी टीम आगे चल के और मैनिफेस्टो के ऊपर आएगी और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तो ये पहल आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो लेके आई है और आप सबके साथ हमने ये शेयर किया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली वासी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए इससे जुड़ेंगे और साथ ही साथ में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं जो ये दावा करती है कि हम दिल्ली की आवाज़ है, दिल्ली के लोगों के लिए, तो उनको भी हम ये देते हैं ओपन चैलेंज कि अगर आज आप लोग चाहते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं तो आप ऐसा ओपन पोर्टल खोलें और हर कैंडिडेट जनता के बीच में से आने दें, ना कि अपने आप अपनी पसंद की कोई टिकट काट के किसी को अपने सामने लाएं कि इसी को ही आपको वोट डालनी पड़ेगी। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा। मैं नेशनल लोक कल्याण पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कुछ मुद्दों पर आज जो बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पॉलिसी के मुद्दों पर जो भी मेन इशूज़ हैं जिसपे हम एज ए पार्टी काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये है कि जो भी मामी ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज अपने डोमिसाइल एरिया में नहीं होते या वो ट्रांसिट में होते हैं तो वी आर राइटिंग अ वाइट पेपर या पिटिशन टू द इलेक्शन कमीशन एंड द ट्रिब्यूनल्स कि उनके लिए भी सुविधा बनाई जाए कि वो EVM के थ्रू जहाँ पर वो इस समय पोस्टेड हैं या ट्रांजिट में हैं, फॉर एग्जाम्पल एट द फ्रंट लाइन पोजिशन और एयरपोर्ट्स और एजेंसीज, वहाँ पर यह सुविधा होनी चाहिए। सेकेंड, वी आर कमिंग अप विद यूथ मैनिफेस्टो फॉर डेली एंड स्टेट डेली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जिसके अंतर्गत स्किलिंग पॉलिसीज एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, गिग इकोनॉमी को गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लाने के लिए हम एक वाइट पेपर बना रहे हैं। एंड थर्ड इज दैट वी आर ऑल्सो नाउ मेकिंग अ कंप्लीट चेंज इन पुटिंग द कंट्रोल राइट ऑन द हैंड्स ऑफ द दिल्ली सिटीजन्स। तो जो हमने पहले वाइट पेपर बनाया था राइट टू रिकॉल का, उसी के अंतर्गत ये है कि अब दिल्ली बोल के अंदर दिल्ली के सिटीजन्स अपना कैंडिडेट और अपने मैनिफेस्टो के सजेशंस अपना मैनिफेस्टो खुद बना पाएंगे और इसके लिए आज एक पोर्टल अनवील किया गया था फॉर द दिल्ली सिटीजन्स और वो समर्पित किया गया है दिल्ली को। My name is Harmeet Singh and I'm the Vice President of National Lok Kalyan Party. So what the agenda which we've discussed today is based on our ideology called Delhi. Delhi, as I already said, Delhi stands for D for Development, E Education, L for Livelihood and then H for Healthcare and Innovative Governance. So taking this framework forward, we would, you know, give our request to other parties जो like-minded हैं हमारे साथ आगे वो जुड़ें और दिल्ली की development के ऊपर काम करें इन्हीं priorities के साथ और हमारा दिल्ली को बेहतर दिल्ली एक बना सकें और साथ में secure भी रख सकें और opportunities for everybody including women and everyone, we will request them to join our hands. Thank you. मैंने सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक जो समस्या है हमारे देश के अंदर उसको हल करने के लिए मैं सीधी सी बात करती हूँ कि देखो मैं मेरी फैमिली के 50 मेंबर्स अगर हैं तो मैं उनकी गारंटी लेके चलूँ, सब हम ऐसे ऐसे अपने अपनी फैमिली की गारंटी अगर लेके चलते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम उनका बाइकॉट करेंगे, तो अगर ऐसी मुहिम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेफ्टी जो है वो ज़रूर है।